हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को टाई और सूट में अपार्टमेंट से भागते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे बहुत सारे जोम्बी पड़े होते हैं, और वो भागते हुए यही बोलता है कि वो ऑफिस के लिए लेट नहीं हो सकता। तभी हमें एक साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें वही लड़का काम के लिए तैयार हो रहा है, और ये मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग है। मंडे मॉर्निंग को वो बहुत एनर्जी के साथ अपनी ड्रीम जॉब के लिए निकलता है। इस लड़के का नाम अकीरा है और वो कमर्शियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब करता है। अकीरा वहां अपने बॉस कोसुगी और अपनी ब्यूटीफुल कलीग और तेरी से मिलता है। रात को सब अकीरा को वेलकम डिनर में ले जाते हैं, जहाँ वो अपने दो और ऑफिस मेंबर से मिलता है, जो कि उसकी टीम में होते हैं। तभी टीएल सबको बोलता है कि डिनर खत्म और काम शुरू, और अभी रात के 11 बज रहे हैं। अकीरा अपने काम के पहले दिन ही पूरी रात ओवरटाइम करता है, और नेक्स्ट डे वो पूरी रात काम करके अपने घर पे वापस आकर सो जाता है। ऐसा करते करते ऑफिस ही उसका घर बन जाता है। एक शाम अकीरा अपने फ्रेंड कंचोजी से मिलता है, जो कि उसका टीममेट हुआ करता था कॉलेज में। अब अकीरा उसे अपनी पूरी प्रॉब्लम बता देता है, तो कंचोजी उसे बोलता है या तो जॉब क्विट कर लो या फिर जॉब चेंज कर लो। फिर वो दोनों वहां पर दारू पीते हैं, जिसकी वजह से उनमें काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा मुंह लटका के काम कर रहा होता है, तभी उसके पास ओतेरी आती है और पूछती है कि तुम ठीक हो। ओतेरी बॉस के कहने पे अकीरा को कोल्ड कॉफी देने के लिए आई थी। नेक्स्ट सीन में अकीरा का टीएल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तब अकीरा बस यही सोच रहा था कि वो अपनी ड्रीम जॉब में फंस चुका है, लेकिन वो ये जॉब छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ये जॉब उसे इतनी मुश्किल से मिली थी। ऐसा करते करते काफी दिन निकल जाते हैं, और हम अकीरा को ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ देखते हैं, जहां वो खुदकुशी करने की सोच रहा था, जो कि खुद को ये बोल रहा था ये जिंदगी कितनी खराब है, अगर मैं मर जाता हूं तो नेक्स्ट डे से मुझे जॉब पर नहीं जाना होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अगली सुबह उसका बिल्कुल भी मन नहीं था जॉब पे जाने का, लेकिन जैसे ही वो रेडी होके नीचे आता है, वो अपने यहाँ के सफाई कर्मचारी को किसी को खाता हुआ देखता है, और जैसे ही वो सफाई कर्मचारी अकीरा को पलट कर देखता है, उसकी फटके चार हो जाती है। अब वो अकीरा के पीछे भाग रहा है और हर जगह से ज़ॉम्बीज निकल के उसका पीछा करने लग जाते हैं। ये वही सीन होता है जो हमको मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अकीरा भागते भागते टेरेस पे पहुंच जाता है और ज़ॉम्बीज से बच जाता है, लेकिन वो आसपास का मंजर देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। सब जगह आग लगी हुई थी और हर जगह तबाही मची होती है। साथ ही वो ये सोच के भी खुश हो रहा था कि अब से उसे जॉब पर नहीं जाना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेटेड कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अकीरा टेरेस पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज के साथ फंसा होता है। बीच में सिर्फ एक स्टील की बाउंड्री थी जो उसे ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्ट कर रही थी। वो पिछले एक साल से किसी भी वैकेशन पे नहीं गया होता तो वो बहुत ज्यादा ही खुश था। तभी वो ओतेरी को मैसेज करता है, क्योंकि उसे ओतेरी की फिक्र थी, एंड ओतेरी का रिप्लाई देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ओतेरी ने उसे एक लोकेशन भेजी थी। अब अकीरा बिल्डिंग के टेरेस से एक पाइप के थ्रू नीचे आ रहा था, तभी उसकी नजर एक कपल पर जाती है, जो कि उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब अकीरा उन्हें बताता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बताओ, मैं ले आता हूँ। तो वो कपल उसको एक कप नूडल और फ्रूट लाने के लिए बोलते हैं। अब अकीरा नीचे उतर गया था, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे करके वो ओतेरी के पास पहुंच जाता है। वहां ओतेरी अकेली नहीं थी, उसका बॉस भी उसके साथ था, जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। तभी वो बॉस उस पर हमला कर देता है, लेकिन अकीरा पास में फुटबॉल प्लेयर था तो वो अपनी फुटबॉल स्किल का यूज करके उस ज़ॉम्बी को गिरा देता है, एंड ओतेरी उसके सर पर भारी चीज मारकर उसे जान से मार देती है। अब हमें पता चलता है ओतेरी और बॉस का अफेयर था। इतनी देर में ओतेरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, तो अकीरा ओतेरी को उसी के घर में बंद कर चला जाता है। अब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया था, एंड वो जैसे ही पाइप से चढ़ के उन कपल्स की बिल्डिंग में जाता है, वो कपल्स वहां से गायब थे। अकीरा को ऐसा लग रहा था इन कपल्स को ज़ॉम्बी ने मार दिया है। साथ ही साथ उसे ये भी देखकर बुरा लग रहा था कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। अब अकीरा अपने रूम में आके सोचता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तभी वो एक नोटबुक और एक पेन निकालता है और लिखता है 100 थिंग्स जो उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले करनी चाहिए। अकीरा पूरी रात बैठ के वो 100 चीजें लिखता है, और नेक्स्ट सुबह वो सुपरमार्केट जाके ज़ॉम्बी से बचते हुए शॉपिंग करता है। फिर वो हेयर ड्राई करता है, लेकिन उसको उसके बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए वो अपने नॉर्मल लुक में आ जाता है। वो अपनी पेंटिंग भी एक बिल्डिंग पे बनाता है। देन वो बहुत सारे पटाखे लेता है। तभी उसकी नजर एक बुलेट बाइक पे जाती है और वो उसे काफी तेज चलाता है। अब रात हो गई थी। अकीरा उन सारे पटाखों को आईफिल टावर के सामने चला देता है।
और ये सीन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगली सुबह वो टेरेस पे बारबेक्यू बना रहा था, लेकिन सॉस खत्म होने की वजह से वो सुपरमार्केट में चला जाता है। तभी उस पे एक लड़की हमला कर देती है जिसने हेलमेट पहन रखा था। वो लड़की अकीरा से पूछते है क्या तुम ज़ॉम्बी हो, लेकिन अकीरा उससे मना कर देता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। तो वो लड़की अपना हेलमेट उतार देती है एंड उस लड़की को देख के अकीरा उस पे काफी ज्यादा फिदा हो गया था। तभी वहां पर दो ज़ॉम्बी एक आदमी पे हमला कर देते हैं, लेकिन अकीरा उस आदमी को बचाने के चक्कर में उन दोनों ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लेता है। वो लड़की उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार देती है और वहां से चली जाती है। अकीरा अपने रूम में आकर पुरानी यादें याद करता है। दूसरी तरफ हमें अकीरा का फ्रेंड केंचो दिखाया जाता है, जिसके आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। अब अकीरा केंचो को फोन करता है तो वो उसे बताता है मुझे काफी सारे ज़ॉम्बीज ने घेर रखा है और मैं लव होटल में हूँ। इतना सुनते ही अकीरा उसके पास जाने का डिसाइड करता है। अकीरा अपनी बुलेट स्टार्ट करके ज़ॉम्बीज से बचते बचाते लव होटल के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे। तभी वो बहुत लाउड म्यूजिक चला देता है ब्लूटूथ स्पीकर पे, जिसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर उस ब्लूटूथ स्पीकर पे गिरने लग जाते हैं। अकीरा अपनी फुटबॉल वाली जर्सी और हेलमेट पहनकर बहुत तेज की भागकर अपने दोस्त के पास होटल में पहुंच जाता है। अकीरा केंचो को देखकर उसे माफी मांगने लगता है कि वो केंचो से जेलस था। केंचो भी अकीरा से माफी मांगता है और दोनों होटल के टेरेस पे जाते हैं ज़ॉम्बी से बचते हुए। अब ये दोनों एक बार में आ गए थे जहाँ पे केंचो अकीरा के लिए कुछ खाने के लिए बनाता है और दोनों दोस्त दारू पीते हुए काफी ज्यादा बात करते हैं। तभी केंचो अकीरा की नोटबुक देखता है जिसमें फ्रेंड से माफी मांगने के लिए लिखा हुआ था, तो वो अकीरा को थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए। अब केंचो अकीरा को एक भविष्यवाणी बताता है कि कोई एक लड़का होगा जो सभी को इस महामारी से बचाएगा। अब अकीरा उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी ड्रीम के बारे में बताता है। दरअसल अकीरा का सपना था कि वो सुपर हीरो बनके लोगों को बचाए। अब सीन शिफ्ट हो गया था और हमें दिखाया जाता है आज ज़ॉम्बी आउटब्रेक का छठा दिन है। साथ ही साथ आज के दिन इमरजेंसी लग चुकी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई स्टेबल नहीं रहेगी। केंचो फोन में ज़ॉम्बीज की वीडियो देख के अकीरा को बोलता है कि हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो अकीरा उसे शार्क एक्वेरियम जाने को बोलता है क्योंकि वहां पर शार्क से बचने वाले सूट हैं जो कि स्टील से बने हुए हैं, जिससे उन्हें ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्शन मिलेगी। अब ये दोनों जैसे ही एक्वेरियम जाने के लिए बाहर आते हैं तभी इनकी नजर एक बस पर जाती है जिसपे काफी सारे लोग थे एंड उस बस पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था और इस बस में वो हेलमेट वाली लड़की भी थी। अकीरा और केंचो उनमें से काफी सारे लोगों को बचाकर एक दुकान में बंद हो जाते हैं। वहां पर सभी लोग फिश एक्वेरियम जाने की बात कर रहे थे। अब इनके बीच में दोस्ती हो गई थी तो वहां पर सभी लोग दारू पी के एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जो कि बस का ड्राइवर था, उसके हाथ में ज़ॉम्बी काटने का निशान था और वो थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी बन जाता है। अब वो ड्राइवर सब पे हमला कर देता है जिसमें हेलमेट वाली लड़की को भी वो काटने वाला था, लेकिन अकीरा और केंचो उसे बचा लेते हैं। अब ये जल्दी से एक कार ढूंढकर वहां से निकल जाते हैं। अब हमें पता चलता है इस हेलमेट वाली लड़की का नाम शिजुका है। अगला दिन सातवां दिन था। ये तीनों डॉग्स को खाना खिलाते हैं, तालाब में योगा करते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं, जिसकी वजह से इनका दिन काफी अच्छा गुजरता है। ये सारी चीजें अकीरा ने अपनी नोटबुक पर लिखी हुई थी। अगले दिन ये तीनों हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहे थे एंड ये सब करके शिजुका इन दोनों को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आज दसवां दिन है और अकीरा की 16 विश पूरी हो गई है। वो तीनों जैसे ही एक्वेरियम के पास पहुंचते हैं उनकी गाड़ी का टायर पंचर होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अकीरा के सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसका टीएल कोसुंगी उसके सामने खड़ा था। वो उन सभी को बताता है ज़ॉम्बी आउटब्रेक के दौरान वो यहीं पे शूटिंग कर रहे थे, तब से वो यहीं पे है और मछलियां होने की वजह से उन्हें खाने की कमी नहीं हो सकती। तभी अकीरा को वो प्रेग्नेंट कपल भी वहीं पे दिखते हैं एंड हमें पता चलता है इस जगह पर काफी ज्यादा लोग हैं और उन सभी से वहां पर बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। इनका चीफ और कोई नहीं बल्कि टीएल कोसुंगी है। अब चीफ अकीरा को अपनी सिक्योरिटी दिखाता है जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। वो बोलता है कि ज़ॉम्बीज को कैसे यूज में लाना है ये उस पर डिपेंड करता है और ज़ॉम्बीज अच्छे वर्कर होते हैं जो कि कभी भी कंप्लेन नहीं करते। बिल्कुल अकीरा तुम्हारी तरह, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी कि तुम मेरा राइट हैंड बनोगे और मैं चाहता था कि अकीरा तुम दोबारा मेरे लिए काम करो। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है अकीरा पूरी तरीके से चीफ का नौकर बन गया है और ये सब देखकर उसका दोस्त केंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट डे जब सब सो रहे होते हैं तब केंचो शिजुका और प्रेग्नेंट औरत के पति भागने की सोचते हैं। तभी वो आदमी उन्हें बोलता है कि मैं तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम दोनों केंचो और सुजुका भाग जाओ।
तभी एक खाने का ट्रक वहां आ जाता है जिसकी छत पर एक ज़ोंबी था। वो सबको काटने लग जाता है और बाकी ज़ोंबीज भी एक्वेरियम के अंदर आकर सभी को काटने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ केंचो अकीरा को बाहर लाता है ताकि वो सभी वहां से भाग सके, लेकिन अकीरा उन्हें बोलता है यही सबसे सेफ जगह है। इतना बोलकर अकीरा दोबारा अंदर चला जाता है। तब शिज़ुका अकीरा की नोटबुक पढ़ती है जिसमें लास्ट पॉइंट देख के वो अकीरा को इडियट बोलती है। शिज़ुका उसे रियलाइज करवाती है कि मेरा अब तक का सबसे बेस्ट टाइम तुम्हारे साथ था और मुझे यहाँ काम करके ज़ोंबीज की तरह नहीं रहना। इतना सुन के ही अकीरा की पुरानी लाइफ उसकी आंखों के आगे आ जाती है जिसमें वो पूरा दिन कुत्ते की तरह काम करता था और बिल्कुल भी खुश नहीं था। शिज़ुका उसको उसकी 17वीं विश दिखाती है और वो उस विश को देखकर अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल को याद करने लग जाता है। तभी चीफ उसकी नोटबुक शिज़ुका से छीनकर उसे पैरों से रगड़ने लगता है। ये देखकर अकीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चीफ को बड़ी तेजी से धक्का देता है जिसकी वजह से चीफ नीचे गिर जाता है। अब अकीरा उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि चीफ ने उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दिया था। साथ ही वो उस जॉब को रिजाइन करते हुए बोलता है ज़ोंबीज की तरह मेरी बस की नहीं है काम करना। इतना सुनते ही ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इनकी खुशी थोड़ी ही देर में गम में बदलने वाली थी। वहां पर काफी सारे ज़ोंबी आ जाते हैं जिन्हें देखकर चीफ भाग जाता है। अकीरा वहां एक एक करके सभी की जान बचाता है और सबको एक कमरे में ले जाता है, लेकिन उस कमरे में पहले से ही चीफ छुपा हुआ था। तभी अचानक से वहां पर एक काफी बड़ी ज़ोंबी शार्क आ जाती है। शार्क को देख के सब यही सोच रहे थे कि ये उन पर हमला नहीं कर सकती। इतने में उस शार्क के अंदर से पांव निकल के आ जाते हैं जो कि किसी इंसान के थे। अब ये शार्क सभी लोगों को काटने लगती है। सब शार्क से बचते बचते कमरे में छुप जाते हैं, बट चीफ बाहर ही रह जाता है। तभी अकीरा को रियलाइज होता है कि चीफ इस कमरे में नहीं है, तो वो उसे बचाने के लिए बाहर जाने का डिसाइड करता है। बट तभी केंचो उसे बोलता है कि हीरो बनने के लिए हीरो का सूट पहनना जरूरी है। तभी अकीरा वही सूट पहन लेता है जिस सूट के लिए ये यहाँ पर एक्वेरियम में आए थे। अब अकीरा उस सूट को पहनकर चीफ को बचाने के लिए आ गया था। इतने में अकीरा और शार्क की लड़ाई हो जाती है जिसमें केंचो भी उसकी हेल्प करता है। एक तरफ केंचो शार्क ज़ोंबी से लड़ रहा था और दूसरी तरफ अकीरा बाकी ज़ोंबी से। केंचो किसी तरीके से ज़ोंबी शार्क को संभाल लेता है, लेकिन अकीरा पर काफी ज्यादा ज़ोंबीज हमला कर देते हैं। वो उसे बुरी तरीके से काट रहे थे, लेकिन उनके दांत अकीरा की बॉडी में नहीं घुस पा रहे थे, मगर उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब हमें बैकग्राउंड में काफी तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि शिज़ुका बजा रही होती है ज़ोंबीज को अट्रैक्ट करने के लिए। शिज़ुका म्यूजिक की मदद से काफी सारे ज़ोंबीज को पानी में गिरा देती है जिसकी वजह से अकीरा ज़ोंबीज से फ्री हो जाता है। तीनों दोस्त एक दूसरे को हाईफाई देते हैं। तभी वहां चीफ आकर भाषण देना शुरू कर देता है। इतने में शार्क आकर उसे धक्का दे देती है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। शार्क चीफ को खाने ही वाली थी, लेकिन अकीरा चीफ को बचाने के लिए शार्क से ही लड़ जाता है। अब ऐसा लग रहा था शार्क अकीरा को जान से मार देगी। तभी शिज़ुका के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर हम शार्क के दिमाग पे इलेक्ट्रिसिटी से हमला करेंगे तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो वो सेल्स का अरेंजमेंट करती है और केंचो को इस प्लान के बारे में बता देती है। तो केंचो ये काम करने की सोच रहा था, बट शिज़ुका उसे बताती है अकीरा ने सिल्वर सूट पहन रखा है, अगर वो ये काम करेगा तो शार्क पे ज्यादा असर पड़ेगा। अब केंचो उन बैटरीज को अकीरा की तरफ फेंक देता है, लेकिन इतने में शार्क केंचो को घायल कर देती है जिसे देखकर अकीरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो काफी तेजी से शार्क के दिमाग पर बैटरी से हमला करता है जिसकी वजह से शार्क की मौत हो जाती है। अब अकीरा केंचो के पास जाकर उसे बोलता है कि तुम मर नहीं सकते। तब केंचो बोलता है मैं तो बस मरने की एक्टिंग कर रहा था। ये देखकर तीनों काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी बचे हुए लोग वहां से सामान लेकर जा रहे होते हैं। तभी चीफ अचानक से आकर बोलता है कि तुम किसकी परमिशन से यहाँ से जा रहे हो। सब यही कहते हैं कि हमने अकीरा को अपना लीडर मान लिया है, जिसे सुनकर चीफ की किलस जाती है। सब खुशी खुशी अपनी गाड़ियों में बैठकर जाने लगते हैं। अकीरा केंचो और शिज़ुका भी जा रहे होते हैं। तभी चीफ आकर बोलता है अकीरा मैं तुम्हें चीफ बनाना चाहता हूँ। तब अकीरा बोलता है मैंने अपनी टीम ऑलरेडी चूज कर ली है। इतना बोल के अकीरा वहां से चला जाता है और चीफ वहीं पे अकेला रह जाता है। रास्ते में अकीरा जाते जाते पूछता है क्या मेरे जैसे को कभी नौकरी मिल पाएगी। तो शिज़ुका उसे बोलती है अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एकदम से केंचो बोलता है कि तुम ऑलरेडी एक हीरो बन चुके हो। अब अकीरा गाड़ी रोकता है और दोनों को नोटबुक देता है जिसमें वो दोनों अपनी विश लिखेंगे, जिसमें केंचो लिखता है कि उसे कॉमेडियन बनना है और शिज़ुका लिखती है उसे डॉक्टर बनना है। अब अकीरा की लास्ट विश लिखने की बारी थी जिसमें वो लिखता है उसे सुपर हीरो बने रहने की जॉब करनी है। इसी के साथ वो अपनी बाकी की 100 विशेस करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरीके से मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे के आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।